हेलो नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल टीआर बाब क्लासेस। आज का सेशन डीएनएची पर आधारित है और डीएनएची के टॉपिक से हमने इस सेशन को लिया है और वह टॉपिक है वाटर एंड वाटर का जो फंक्शन है हमारे शरीर में उस पे हमारा ये आधारित सेशन है। चलिए हम लोग बिना विलम्ब किए हम स्टार्ट करते हैं वाटर के बारे में। तो वाटर जो है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक भोजन माना जाता है। आप इसको भोजन ही मान सकते हैं बिकॉज कि इसमें हमारा जो खनिज लवण है, मिनरल्स है, पोटेशियम है इसमें, तो और भी इसमें मिनरल्स हैं, उनकी वजह से आप इसे भोजन के अंग मान सकते हैं। तो हम भोजन के बिना भले 5 दिन नहीं, 5 दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 1 दिन भी हमारे लिए रहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सारी बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे शरीर में है, सारा मेटाबोलिज्म जो है वो प्रभावित होने लगेगी और हम जो है दूसरे फेज में, यानी कि हम डिजीज हमारे शरीर में एंट्री होने के लक्षण शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए वाटर जो है हमारे शरीर के लिए एक इंटीग्रल कंपोनेंट है और उनको हमको समय पर हमारे बॉडी के अंदर लेना पड़ता है। तो ये तो हो गया, बाकी चीज़ें हम देखते हैं इसके जो केमिस्ट्री है वाटर का, जो केमिस्ट्री ऑफ वाटर, उसमें हम देखते हैं कि जो वाटर में जो फॉर्मूला है, तो उस वाटर में आप देखे होंगे कि H2O जो होता है उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसलिए इसको हम जो परमाणुओं के लिहाज से, परमाणु संख्या के लिहाज से इसको 2:1 के तौर पर जानते हैं, यानी कि इसमें जो एटम्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के वो 2:1 है। जबकि अगर हम एटॉमिक वेट के हिसाब से जाते हैं तो वह है 1:8, 1:8 के लिहाज से इसमें जो है एटॉमिक वेट में होता है। हाँ, याद रहे, चूंकि H2O जो वाटर का जनरल फॉर्मूला है उसमें कोई कार्बन की उपस्थिति नहीं है, इस कारण से वाटर को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, उसमें जो है कोई भी कार्बन, जब कार्बनिक कोई भी पदार्थ रहेंगे उसमें कार्बन से बने तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे, बाकी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बिकॉज कि H2O इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। दूसरा जो इसके जो फंक्शंस हैं, जो वाटर के फंक्शन, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो वाटर में हम फंक्शन पर अगर हम बात करें तो वाटर हमारे शरीर का मुख्य अवयव है और एक वयस्क व्यक्ति का जो कुल भार है उसका 60% जो है वो वाटर को कंटेन करता है। फिर से एक बार मैं आपको इसको रिकैप कर दूं कि कोई भी व्यक्ति का जो कुल भार है, वेट है, उस वेट का जो 60% है वह वाटर होता है, जबकि जो इन्फेंट्स हैं उसका 75% जो है वो वाटर होता है। तो ये काफ़ी नॉलेजिबल जानकारी है कि वाटर हमारे लिए 60%, अगर मैं 55 kg का हूँ तो आप समझ सकते हैं कि वाटर हमारे शरीर में कितना kg होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं और टिशू हैं, सेल्स और टिशू हैं, आप सबको पता होगा कि सेल्स से जो है हमारा शरीर बना है, फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जो है टिशू बनाती है, फिर ग्रुप ऑफ जो सिमिलर टाइप्स ऑफ टिशू है वो हमारा ऑर्गेन बनाता है, फिर ये जो ऑर्गेन्स हैं वो ऑर्गेन सिस्टम बनाता है, एंड लेटर ऑन जो ऑर्गेन सिस्टम जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाके एक कंप्लीट इंडिविजुअल का निर्माण होता है। तो ये में वाटर कंपोनेंट की अहम भूमिका होती है। जितने सारे सेल्स एंड टिश्यूज हैं वहाँ पे वाटर उसका जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है कि जितने भी हमारे शरीर में जूस उत्पन्न होते हैं, या डाइजेस्टिव जूस की हम बात करें, या ये क्या करें, यूरिन की बात करें, फेसेस की बात करें, यहाँ तक कि स्वेट की अगर हम बात करें, ब्लड की बात करें, या फिर सैलिवा की हम बात करें, इन सब में जो है वाटर जो है वो मौजूद रहता है। और ये कहा जाए कि जितने सारे हमारे शरीर में जो ये जूसेस का निर्माण हो रहा है, कोई भी एंजाइम्स का ये निर्माण हो रहा है, तो इन सब में जो है वाटर जो है एक मीडियम का काम करता है और वाटर उसका एक क्या कहा जाए इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, एक कंपोनेंट के तौर पर है। तो वाटर जो है यहाँ पे एक मीडियम के तौर पर भी है और साथ साथ उसका मुख्य संघटक भी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
वाटर जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है, बैलेंस करती है। और आप सबको पता होगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जबकि 36.4 या 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो हम लोग मानते हैं। इन जो टेम्परेचर है इसको जो मेंटेन करता है वो बॉडी करता है, बिकॉज कि हमारे शरीर में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे हीट प्रोड्यूस होता है, और फिर ये हीट को मेंटेन कौन करता है, उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, तो ये वाटर जो हमारे सेल्स में है, हमारे टिश्यूज में है, तो ये वाटर जो होता है तो उससे जो हीट उत्पन्न होता है वही हमारा हीट जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस या कहा जाए या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के तौर पर बाहर आता है, जो कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो जब वाटर जो है इन चीज़ों को मेंटेन करती है तो निश्चित तौर पे वाटर हम सबको ड्रिंक करना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें जो भी तत्व हमारे शरीर में मौजूद हैं वो सारे तत्व उसमें घुलनशील होते हैं, और ब्लड को भी जो भी कहीं टारगेट ऑर्गेन तक कुछ पहुंचाना हो या वहां से फिर लाना हो, अगर अच्छे चीज़ न्यूट्रिएंट पहुंचाना हो या फिर वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को लाना हो, वो सारा काम जो है ब्लड के माध्यम से होता है, और ब्लड में भी हमारा जो है वाटर उसमें रहते ही हैं। तो ये चीज़ हो गया। दूसरी बात है कि हमारे शरीर को ये मॉइस्चरिटी प्रदान करता है, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो किसी प्रकार से इन्फेक्शन से वो बचे रहते हैं, और जो भी चीज़ों हमारे शरीर में जो चाहे वो पाचन तंत्र में भोजन की गति हो या फिर डाइजेस्टिव जूस हो या पेनक्रेटिक जूस हो, जो भी हो उसमें जो है जो वाटर है वो वाटर जो है इन सारे चीज़ों को जो सेल्स एंड टिश्यू है या मेटाबॉलिज्म है हमारे शरीर में वो सारे चीज़ों को रेगुलेट करती है, और वो संपादन में भी मदद करती है। जितने सारे मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो, प्रोटीन का डाइजेशन हो, फैट का डाइजेशन हो, जो भी डाइजेशन है वो डाइजेशन को वाटर जो है रेगुलेट करती है, उससे भी वाटर उत्पन्न होते हैं, उसको भी हमारा बॉडी कंज्यूम करता है, फिर वह स्वेट के रूप में भी बाहर निकलता है, यूरिन के तौर पर भी बाहर निकलते हैं, और हमारे फेसेस में भी वाटर रहते हैं। तो ये कुछ हमारे शरीर में जो नेचुरल जो हार्मोन है उसमें भी वाटर रहते हैं। तो ये सारे चीज़ों को जो मेटाबॉलिज्म के उपरांत या बायोकेमिकल रिएक्शंस के उपरांत ये वाटर जो है सब चीज़ को रेगुलेट करती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक लाइन आपको मैं आपको बता दूं कि पाचन क्रिया में जल के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा इसी रूप में यह शरीर में अवशोषित हो जाता है। मतलब जो डाइजेस्टिव जो रिएक्शंस हैं उनमें जल के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका मतलब है कि चेंजेस वाटर के कंसेप्ट में नहीं होता है। बाकी आप सबको पता होगा कि जो लाइपेज है या फिर पेप्टाइड है, नहीं वो दूसरे चीज़ों में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ें को देखने के बाद ऐसा ये चीज़ें उभर कर सामने आती है कि वाटर रियली में हमारे बॉडी के लिए कितने आवश्यक हैं, और ये वाटर के बिना हम शायद जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि हम लोग वाटर के सोर्सेस क्या लेते हैं, कि हमारे पास जो वाटर के सोर्सेस हैं वो क्या क्या है। तो एक तो हम वाटर ड्रिंकिंग के तौर पर जो वाटर ड्रिंक करते हैं या कोई जूस पीते हैं, या फिर हमारे पास अन्य जो पेय पदार्थ है कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनसे भी हम वाटर की पूर्ति करते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो हमारा भोजन है उनसे भी हम वाटर को प्राप्त करते हैं। एंड तीसरा जो है हमारे शरीर में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, इन सब में भी कुछ वाटर जो है वो क्रिएट उत्पन्न होते हैं, तो उनसे भी हमारे शरीर को वाटर की प्राप्ति होती है। यानी कि ये तीन सोर्सेस हैं हमारे वाटर के। और एक जो इसमें इम्पोर्टेंट वाली बात है कि मैं आपको कुछ बता दूँ, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जैसे कि वाटर किन किन सब्जियों में, किन किन फ्रूट्स में कितने परसेंटेज वाटर कंटेंट करते हैं, उनकी भी मैं आपको जानकारी दे दूं। और थोड़ा सा आपको कि सब्जियां में अगर बात करें, पालक में प्रति 100 ग्राम पालक में 92.1 जो है इसमें नमी पाई जाती है, यानी कि वाटर पाई जाती है। कद्दू में 92.6 और मटर में 72.1 प्रति 100 ग्राम। अगर हम फल में सेब की बात करें तो इसमें 84.6 प्रति 100 ग्राम, अगर आप एप्पल लेते हैं तो उसमें 84.6
ग्राम जो है वो वाटर है, और गाय का दूध में 87.5 ग्राम जो है उसमें वाटर है। अनाज की बात करें तो गेहूं में 12.8 और चावल की बात करें तो 13.7, दाल की बात करें उसमें भी चने का तो 9.8, यानी कि दाल में चने की दाल में जो है वो काफ़ी ड्राई होता है, तो 9.8 जो है प्रति 100 ग्राम पे वाटर इतने कंटेन करते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया DNHE सिलेबस से, और निश्चित तौर पे जब आप इस चीज़ों को देखेंगे तो आपका असाइनमेंट्स में भी काफ़ी मदद मिलेगी इसको सॉल्व करने में। एंड जब आप जून 2023 के एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे या फिर दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे तो वहाँ पे भी आपको यहाँ से जो टॉपिक्स हमने आपको आज शेयर किया तो उनसे भी आपको क्या होंगे कि हेल्प मिलेगा वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आई होप कि DNHE का ये टॉपिक्स वाटर एंड वाटर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फंक्शन ऑफ वाटर जो ये टॉपिक हमने लिया ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मैं एक बार फिर बता दूं कि असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स संबंधित काम अब आप शुरू कर दें। अगर आप जून 2023 एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे, जुलाई 2022 में अगर आपने इनरोल्ड किए होंगे तो जून 2023 में आपका जो है मार्च अप्रैल में असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स संबंधित सबमिशन का काम शुरू हो जाएगा। तो अब से आप स्टार्ट कर दें अपना असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स तैयार करना, तो उसमें जो भी समस्याएं आएगी आप से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हमारा पीआर बाव करियर ग्रुप में आप ज्वाइन करें और अपने इन्फॉर्मेशन अपने क्वेरीज को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।